हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज वन। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक टॉपिक से बताऊंगा, वो भी नोट पैड में। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में, अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, विंडो के साथ आर बटन प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको नोट पैड टाइप कर लेना है। नोट पैड आने के बाद यहाँ पर इसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पर आपका नोट पैड ओपन हो गया। अब यहाँ पर कुछ, यहाँ पर मैं जो कोड लूँगा उसे आप यहाँ पर टाइप कीजिए। यहाँ से इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद इंटर करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल डी से पेस्ट कर लीजिए। इनसे इंटर इनसे 10 बार से करना है। जब तक आप 10 बार नहीं करेंगे तब तक कहीं फायदा नहीं। तो यहाँ पर आप लोग 10 बार कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये 10 बार यहाँ पर ये रैंडम और परसेंटेज में दोनों तरफ से इसे क्लोज कर कर यहाँ पर इसे एंटर कीजिए। यहाँ पर लिख देना आपको लास्ट में गो टू स्टार्ट। लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आएंगे फाइल में। फाइल में आने के बाद यहाँ पर सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लिख देना हैक डॉट। अब बैट लिखना नहीं भूलिएगा। अगर बैट नहीं लिखेंगे तो वो जो आप बनाएंगे वो कन्वर्ट नहीं होगा उसमें। तो यहाँ पर बैट लिखने के बाद यहाँ पर इसे सेव कर दीजिए। मैंने डेस्कटॉप पर सेव किया था। अब यहाँ पर देखिए आ गया है। इसे यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया, देखिए आपके सामने ये जैसे आपको लगेगा कोई मेरा लैपटॉप किसी ने हैक कर लिया। तो देखिए ऐसे ही दिखाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चलिए इस वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं।